हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आपका क्या नाम है और आप यहाँ क्या ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे? मेरा नाम विराज मालव भट्ट है। मैं यहाँ थर्ड मंथ की सोनोग्राफी के लिए आई थी, प्रेगनेंसी की। अच्छा, फिर आपकी क्या ट्रीटमेंट यहाँ पे हुई? थर्ड मंथ सोनोग्राफी जो प्रेगनेंसी की करवाई, उसके बाद कंटिन्यूटी जो एवरी मंथ है यहाँ प्रेगनेंसी के लिए मिलने आती थी डॉक्टर से। आप महीने में कितनी बार यहाँ चेकअप करवाते थे? 7 मंथ तक मंथली आती थी, फिर 15 डेज आती थी। ओके, और आपकी क्या क्या दवाइयाँ, ट्रीटमेंट क्या चली यहाँ पे? मेडिसिन में आयरन की, आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन पाउडर। फिर 9 महीने के बाद आपकी डिलीवरी यहाँ पे ही हुई। हाँ। और क्या करवाया, ऑपरेशन करवाया था? हाँ, ऑपरेशन करवाया, सिजेरियन करवाना पड़ा। अच्छा, क्यों सिजेरियन करवाना पड़ा? क्योंकि उसका वेट कम हो रहा था और नाड़ उसके गले के आसपास। अच्छा, और सिजेरियन के लिए आपके मन में क्या डाउट्स थे? पहले मुझे सिजेरियन नहीं करवाना था क्योंकि उसमें बहुत सारी तकलीफें होती रहती है, स्टिचेस आते हैं और फिर बॉडी में भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तो मुझे सिजेरियन नहीं करवाना था, नॉर्मल। अच्छा, अब आपके सिजेरियन हो गया है तो आपको कैसा लग रहा है? वही बेटर लग रहा है मुझे तो, नॉर्मल से ज़्यादा, क्योंकि कोई पेन, एक पेनलेस है और स्टिचेस भी नहीं आते हैं और बहुत बच्चों पर, मीन्स चाइल्ड पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, डायरेक्टली उसका भी बर्न हो जाता है। और लोग बोलते हैं कि सिजेरियन से बैकएक रहता है, हेडेक, यानी कि कमर में दर्द और सिर का दर्द ऐसा रहता है, आपको ऐसी कोई कंप्लेन है? नहीं, स्टार्टिंग में 2-3 डेज हुआ था, नेक प्रॉब्लम हुआ था, बैक ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और ये हॉस्पिटल के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हॉस्पिटल में तो डॉक्टर सभी अच्छे हैं, नर्सेज भी अच्छी है और सब अच्छी सर्विसेज भी मिली। जो लोगों को सिजेरियन के बारे में मिसकंसेप्ट है उनको आप क्या कहना चाहोगे? सिजेरियन में कोई प्रॉब्लम तो आती नहीं है ऐसे, मीन्स सिजेरियन जब ऑपरेशन होता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि वो एनेस्थेसिया देते हैं तो पेन भी कुछ नहीं होता है, कब डिलीवरी हो जाती है वो पता नहीं चलता है, और आफ्टर सिजेरियन भी बॉडी में भी कोई ऐसा, अभी 1 वीक तक तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, बेटर लग रहा है। ओके, थैंक यू।